जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। दिस इज आरक्षी सोलंकी और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट रशियाज लूना 25 मिशन फेलियर। ठीक है, तो ये जो मिशन था वो फेल हो गया था। इंडिया से पहले ही मिशन लॉन्च हुआ था। रशिया वांटेड कि वो पहला ऐसा कंट्री बने जो मून के साउथ पोल पे लैंड हो जाए, बट वो नहीं हो पाया। द एंटायर मिशन एंडेड इन टू अ फेलियर और उसके बाद इंडिया का चंद्रयान 3 वो सक्सेसफुल। सो इस कारण जो है रशिया को बहुत ज़्यादा ग्लोबली बैकलैश फेस करना पड़ा। तो लेट्स अंडरस्टैंड एंटायर थिंग अबाउट इट दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड 2023 स्पेशल। ये तो अगस्त में लॉन्च हुआ था, दिस थिंग यू माइट बी नोइंग कि रशिया का जो स्पेस है, स्पेस प्रोग्राम है। पहली बात, रशिया इनिशियली जब उसका स्पेस प्रोग्राम एजेंसी स्टार्ट हुई थी, इट वॉज वेरी वेरी सक्सेसफुल। ठीक है, यूरी गैगरिन एंड ऑल, यू माइट हैव हर्ड अबाउट दैट पर्सन। तो अब ये जो चीज़ें हैं, ये जो है रशिया की स्पेस एजेंसी का जो इमेज था बहुत ज़्यादा ही हाइट पे था। अगर रशिया की स्पेस प्रोग्राम है तो सक्सेसफुल होगी, ऐसा नोशन था। इट वॉज ऑलवेज मैनी मैनी स्टेप्स अहेड नासा। अब इसमें क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर मिशन फेलियर, पहली बात बहुत ही सालों बाद कोई लूनर मिशन गया होगा और वो भी फेल हो गया, तो इसके कारण रशिया की ग्लोबल इमेज रिगार्डिंग स्पेस एजेंसीज एंड स्पेस प्रोग्राम्स थोड़ी सी हैम्पर हो गई है। बिकॉज हिस्टोरिकल इमेज रशिया की बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी व्हेन इट केम टू ग्लोबल स्पेस प्रोग्राम्स। अब देखो, इसके हम सब देखेंगे कब लूना 24 जो है 1976 में गया था, दैट वाज द लास्ट लूनर मिशन, मून रिलेटेड मिशन 1976 में। नेक्स्ट जो है लूना 25, ये अब जाके 2023 में गया, मतलब एक मून मिशन जो है 76 में लास्ट था और उसके बाद इतने सालों बाद जो है नेक्स्ट मून मिशन हुआ, तो उसके बाद वो मिशन भी फेल हो गया। सो जस्ट अंडरस्टैंड कि कितना सीरियस है ये सिचुएशन रशिया के लिए। दिस वॉज लॉन्च ऑन August 11, 2023, 11 अगस्त को लॉन्च हुआ था और उसके बाद रशिया का ये था कि सक्सेसफुल हो जाएगा। रशिया सोच रहा था कि सक्सेसफुल हो जाएगा और वो पहला ऐसा देश बनेगा जो मून के साउथ पोल पे लैंड हो जाएगा, बट कॉन्ट्ररी टू व्हाट रशिया एक्सपेक्टेड, ऐसा नहीं हुआ और इंडिया का चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो गया एंड इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री। सो इंडिया के लिए फॉर्चुनेट था वो, रशिया के लिए नहीं। अब ये क्रैश क्यों क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऑल ऑफ दैट लेट्स स्टडी। कॉन्टैक्ट विद लूना 25 वॉज लॉस्ट। अगस्त 11 को ये जो है लॉन्च हुआ था, 19 अगस्त को ही कॉन्टैक्ट लॉस हो गया। उसके बाद जो है ये जो लूना 25 था, ये अपना ऑर्बिट चेंज करने लगा, मतलब अपने ऑर्बिट से ये खो गया था। ठीक है, और ऑर्बिट से डेविएट होने के बाद मून के सरफेस पर जाके क्रैश हो गया, तो जिसके कारण पूरा ही मिशन जो है फेल हो गया विद इन जस्ट फ्यू डेज ऑफ इट्स लॉन्च। स्पेस क्राफ्ट जो है मून के सरफेस से कोलाइड हो गया एंड एंटायर थिंग वॉज अ मेस आफ्टर दैट। अब इसके कॉन्सिक्वेंस क्या क्या हुए, रशिया ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, तो क्यों सफर किया, क्या सफर किया, लेट्स स्टडी। इसका जो फेलियर है वो मेजर ब्लो था रशिया के रेपुटेशन के लिए। लाइक आई सेड इनिशियली रशियाज रेपुटेशन एज स्पेस एजेंसी वॉज वेरी हाई, बट विद ऑल ऑफ दीज ईयर्स पासिंग थ्रू स्पेस प्रोग्राम्स थोड़े बहुत फेल हुए, थोड़े बहुत सक्सेसफुल, उसके चलते रशिया की इमेज धीरे धीरे जो है नीचे आ रही थी और इसके बाद तो एंटायर इमेज इज बींग डिसरप्टेड। नाउ वॉट इज हैपनिंग, क्योंकि लूना 25 इतने सालों बाद तो पहला मून मिशन हुआ और वो भी अब जो है खराब हो गया, तो बहुत सारे जो अलग अलग कंट्रीज की स्पेस एजेंसी है वो रशिया के साथ कोलैबोरेट करने से पहले बहुत बार सोचेंगी। पहले रशिया की इमेज ऐसी थी कि कंट्रीज की स्पेस एजेंसीज वुड डाई फॉर कोलैबोरेटिंग विद रशिया, बट नाउ आफ्टर ऑल ऑफ दीज थिंग्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक कंडीशन हो गई है रशिया के लिए। अब क्योंकि इतना जो प्रोजेक्ट था बहुत ज्यादा, उसमें पावर, ह्यूमन रिसोर्स, मनी, एवरीथिंग वुड हैव बीन इन्वेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, और वो जो है पूरा प्रोजेक्ट खराब हो गया। रिपीटेशन के साथ साथ कुछ रिजल्ट भी नहीं आया, तो उसके चलते इकोनॉमिक लॉस तो रशिया को हुआ ही, फ्यूचर स्पेस प्रोजेक्ट्स के लिए भी दिक्कत हो गई। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ रशियाज लूना 25 प्रोजेक्ट वॉज प्लान, वाई डिड इट फेल, वट वर द कॉन्सिक्वेंसेज आफ्टर इट फेल्ड, है ना। सो फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू अवर चैनल। टिल देन जय हिंद एंड टेक केयर।